हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर से किट पट्टी का डिज़ाइन बनाना बताएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर की वूल यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रीन कलर की वूल लगाएंगे और एक नॉट लगा लेंगे। और नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम चार चेन बनाएंगे। चार चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम फर्स्ट चेन में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरीके से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा ये राउंड सर्कल तैयार हुआ है, इस सर्कल में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बिना क्रोशिये पे धागा लिए हुए इसमें हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब जो हमने यहाँ पे फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ डाल के हम इसे स्लिप स्टिच से ऐसे जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद यहाँ पे हम 10 चेन बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 चेन बनाने के बाद फिर से 1, 2, 3 चेन छोड़ के फोर्थ चेन में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग बनाया था। और ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारी राउंड तैयार हुआ है इसमें डाल के 12 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 2, 3, 6 इस तरफ और 6 इस तरफ। तो चलिए इस तरह से हम बना लेते हैं। जितनी हमें लंबी गेट पट्टी चाहिए ये पैटर्न रिपीट करते हुए, फिर आपको आगे बताते हैं क्या करना है। देखिए इस तरह से हमने ये पूरी तोरण पट्टी का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। हम इसमें आपको ओनली डिज़ाइन बनाना बता रहे हैं, इसलिए हमने इतनी ही लंबी ये तोरण पट्टी बनाई है। चलिए अब यहाँ पे हम सेकंड कलर का यूज़ करेंगे। आप जिस भी कलर की वूल का यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ से सेकंड वूल लगाइएगा। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे इस रिंग में जॉइंट कर लेना है इस प्रकार से, और एक चेन बना लेनी है। आप चाहें तो इसे बांध के भी यहाँ पे जॉइंट कर सकते हैं जैसे हमने किए। फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे और जो ये हमने चेन छोड़ी है इनके बीच में डालते हुए 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम डाल के धागा लेके क्रोशिया पे इसे हम एक पफ डिज़ाइन बनाएंगे इस तरीके से। पफ डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ पे 6 चेन क्रोशिया पे धागा लेके फिर से इसी जगह पे डाल के और फिर से एक पफ बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 टाइम लिख के और फिर से ये पफ डिज़ाइन बना के अब हम इसे यहाँ इसके मिड में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे एंड इसके बीच में चेन में फिर से यहाँ पे पफ डिज़ाइन बनाएंगे। 5-5 टाइम करके हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप 4-ply की वूल से बना रहे हैं तो आप इसे कम भी ले सकती हैं ये पफ डिज़ाइन के लिए। तो चलिए इस तरीके से हम ये बना लिए हैं। इस तरीके से हमें ये पूरी यहाँ तक बनानी है। तो हम पहले यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये दो दो पफ डिज़ाइन और बीच में 6-6 चेन का गैप करते हुए गेट पट्टी को यहाँ तक बना लिया है। और ये जो हमारे पास लास्ट राउंड सर्कल बचा, देखिए हमें क्या करना है। यहाँ हम इसके मिड में 3-3 के बाद हम यहाँ पे जॉइंट कर देते हैं और फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे जॉइंट करेंगे 3-3 का गैप देते हुए, फिर से 3 चेन, फिर 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ पे थर्ड पे जॉइंट करेंगे, फिर से 3 चेन, 1, 2 यहाँ पे हम चेन नहीं बनाएंगे, इस तरह से हमें जॉइंट कर लिया है। अब हम फिर से एक चेन लेके और कुछ पे धागा लेंगे और जो ये हमने यहाँ डिज़ाइन बनाई है पफ की इसे डिज़ाइन में डाल के अब इधर भी हमें 2 पफ डिज़ाइन बनानी है और बीच में 6 चेन का गैप देना है।
और ये देखिए हमें इस तरह से टू टाइम, ये थ्री टाइम, ये फोर टाइम एंड ये फाइव टाइम निकाल लिए हैं। इस तरह से पफ डिज़ाइन ज्वाइंट करके फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स चैन का गैप दे के और फिर से इसी जगह पे डालते हुए वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम एंड फाइव टाइम। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इस पफ डिज़ाइन को, देखिए इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हम इसके मिड में जैसे हम पहले स्लिप स्टिच से जॉइंट कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर कुछ पे धागा लेके और फिर यहाँ पे ऐसे ही वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम एंड फाइव टाइम। इस तरीके से ये डिज़ाइन हम पूरी यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने यहाँ से बनाया है। तो चलिए ऐसे ही हम पूरी दुपट्टे तैयार कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं क्या करना है। देखिए सर इस तरह से बनाते हुए हमने दुपट्टी एंड तक तैयार कर ली है और ज्वाइन करने के बाद फिर से हम वैसे ही थ्री थ्री चैन लेंगे यहाँ पर लास्ट में और थ्री थ्री चैन लेके यहाँ पर थ्री यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे थ्री थ्री चैन का गैप देते हुए और फिर इस तरह से हमारी और यहाँ लास्ट में यहाँ पे जॉइंट करके धागा कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये किट पट्टी पूरी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।